अनुराग मुस्कान भी पहुंच चुके हैं इस सेशन के लिए, बैठिए। समागम में हम लगातार बात कर रहे हैं तरक्की की चाहत और चुनौतियों की, और चाहत और चुनौतियां सिर्फ देश के सामने ही नहीं हैं, बॉलीवुड के सामने भी हैं, क्योंकि बॉलीवुड भी अपने एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। एक बहुत बड़ा पन्ना बॉलीवुड का भी पलट चुका है। उन चुनौतियों को, उन चाहतों को रवीना टंडन कैसे देखती हैं, ये सवाल वैसे अनुराग ही पूछेंगे, तो इसीलिए मैं माइक आपके हवाले कर रही हूँ। अनुराग, सेशन आपका है। शुक्रिया रितुल, एक बार जोरदार तालियां और बजा दीजिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अनुराग जी के लिए बजा लीजिए एक बार। ज्यादा मेहनत इनको करनी है। मेरे लिए भी इसलिए जरूरी है क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तब आपकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी। हाँ जी। और आज मैं और आप एक ही फ्रेम में हैं। मैं बता दूं कि उस समय मैं भी कॉलेज में थी। आपने कॉलेज छोड़ा था? मैं FIJC में थी, फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज, और तभी मैंने ये फिल्म साइन की थी। और की बहुत सारे मुझे मिलते हैं और बोलते हैं हम तो कब से आपको देखते आ रहे हैं। आपको मालूम है उस साल में मैं भी फर्स्ट ईयर कॉलेज में था और मैं तब से आपको देख रहा हूँ। मैं कहा आपको मालूम है कि मैं भी तभी कॉलेज में ही थी। तो वो सोचते बाप रे ये तो कब से काम कर रही है। अब आप रवीना टंडन है, लोग तो पूर्व जन्म का नाता भी जोड़ेंगे आपसे। हाँ, वो तो खैर बुक्ड है, अभी 7 जन्म तो बुक हो गए जी। हाँ जी, अनिल जी के नाम हो गए। एब्सोल्युटली। कैसी हैं आप? अब तक तो ठीक हूँ, अब आप जो प्रश्न पूछेंगे उसके बाद फिर पूछेगा आप कैसा लग रहा है। नहीं नहीं, खट्टी मीठी बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रवीना टंडन काफी समय के बाद एक बार दोबारा दिखी है, लेकिन फिल्म के पर्दे पर नहीं दिखी है। हमें आप दिखती हैं रियलिटी शोज में, हमें आप दिखती हैं सोशल मीडिया पर, हमें आप दिखती हैं सोशल सेलिब्रेशंस में। क्या चाहती क्या है रवीना टंडन, क्या इरादा है? मैं चाहती हूँ कि आप टीवी छोड़कर कभी कभी सिनेमा हॉल में भी चले जाइए। मेरी पिछले साल मात्र रिलीज हुई थी जी, शायद आपने नहीं देखी। नहीं, मैं नहीं देख पाया, सॉरी, मेरा दुर्भाग्य। तो कभी कभी मैं फिल्में भी कर लेती हूँ, लेकिन जी हाँ, ऐसा है कि आई थिंक देर इज मोर टू लाइफ। लोग मुझे पूछते हैं कि आपको नहीं लगता कि हर आपको पर्दे पे रहना चाहिए ऑल द टाइम? तो मेरी कभी ऐसी एम्बिशन थी ही नहीं, बचपन से ही कभी एम्बिशन थी ही नहीं कि मैं बड़ी होकर एक्ट्रेस बनूं। तो मेरे में ऑनेस्टली वो जैसे कहते हैं एक कट थ्रोट भूख कभी थी ही नहीं उसके बारे में। एंड आई हैव ऑलवेज वांटेड टू लिव माय लाइफ फुल्ली क्वीन साइज। बिल्कुल। यानी कि मैं लोगों को बोलती हूँ कि फिल्म्स ही मेरी जिंदगी नहीं है। हाँ। वो मेरी जिंदगी का एक अंक है, एक हिस्सा है, इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो बहुत सारी और चीजें हैं जिंदगी में जो देखनी है, गुजरनी है, करनी है जी, तो उसके लिए भी तो समय चाहिए। लेकिन कहते हैं ना रवीना की फिल्में जो होती हैं वो समाज का आईना होती हैं। अब आप जितनी सारी चीजें मंचों पर जाकर कर रही हैं, ट्विटर पर कर रही हैं, या फिर आप रियलिटी शोज में जाकर कर रही हैं, आपको नहीं लगता कि फिल्मों के जरिए आप और ज्यादा प्रोमिनेंटली उन चीजों को कर पाती? क्योंकि फिल्में जिस तरीके से दर्शकों के साथ संवाद स्थापित करती हैं वैसी दूसरी चीज अभी तक तो नहीं है। अनुराग, अगर आप देखेंगे तो मेरी पिछली करीब 5-6 फिल्में इसी मैसेज ओरिएंटेड फिल्में रही हैं, इसी पैटर्न पे रही हैं। अगर आपने मात्र देखी होती तो आपको पता होता कि कितना कितना डीप और कितना इंटेंस वो थॉट है जो मेरे दिल में था। मात्र जो फिल्म थी दैट वाज ऑन वायलेंस एंड अब्यूज अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन। इट वाज अबाउट रेप, अबाउट एक रेप विक्टिम की क्या हालत हो जाती है, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, चक्कर मार मार के उनके उनके क्या उनकी क्या तकलीफें, किस कठिनाई से वो गुजरती हैं। तो उसके ऊपर थी ये पूरी फिल्म। एंड आई थिंक जब से निर्भया का केस हुआ था तब से मेरे दिल के बहुत करीबी था, क्योंकि मैं जब भी NGOs या मैं फाउंडेशंस के लिए सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी फाउंडेशन के लिए जो दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए भी मैं काम करती थी, तो मुझे लगता था कि एक्चुअली अगर आप देखें तो बदलाव आया ही नहीं है, बल्कि शायद हालतें और बुरी हो गई हैं। एंड मेरी एक्चुअली इट इज़ माय ऑनर, मैं बोलती हूँ कि मुझे उनकी माता से मिलने का मौका मिला और हम दोनों ऐसे ही स्टेज पे थे, एंड उस माँ के आंसू आज तक नहीं रुके हैं।
अगर आप उनसे बात करेंगे और आप उनका दर्द अगर समझेंगे, तो मुझे लगा यार इस हम लोग क्यों नहीं इसके बारे में कुछ कर पा रहे हैं। क्या इतनी बड़ी समस्या है अपनी बेटियों को सुरक्षित रखना? तो वो एक चीज मेरे अंदर बहुत मतलब उबल रही थी। एंड जब मात्रा जैसी एक स्क्रिप्ट आई, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, मेरे आंसू निकल आए और मैंने कहा ऐसी इतने दिनों के बाद अगर फिल्म कर रही हूं तो ऐसी फिल्म करना चाहूंगी जो एक स्ट्रांग मैसेज लेके आई है। वैसे मात्र मैंने नहीं देखी है, मेरा दुर्भाग्य है, आप में से भी पता नहीं कितने लोगों ने देखी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रवीना के अंदर मातृत्व वाली जो भावना है वो तब से है जब से ये माँ नहीं बनी थी। शायद पता नहीं कितने लोग जानते होंगे रवीना कि आपने शादी से पहले दो बेटियों को अडॉप्ट किया था और एक की आपने अभी शादी की है पूरे रीति रिवाज के साथ। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत कम लोग हिम्मत कर पाते हैं, उपदेश बहुत सारे लोग देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन कर बहुत कम पाते हैं लोग, उनमें से एक रवीना टंडन है। रवीना, यहां एक लाइन लिखी हुई है, तरक्की की चाह और चुनौतियां। मुझे लगता है तरक्की की चाह और चुनौतियां की जब हम बात करें और अगर किसी महिला की बात करें तो एक मुकम्मल उदाहरण के तौर पर रवीना टंडन का नाम सामने आता है। जैसा कि मैंने कहा कि अपनी शादी से पहले आपने दो बेटियों को अडॉप्ट किया, उसके बाद जब तक आप फिल्मों में रहीं सुपरस्टार रहीं, जब आपने फिल्में छोड़ी तब आप घर में सुपरस्टार हो गईं, आपने अपने बच्चों की पालन पोषण परवरिश ऐसे की जैसे कि एक माँ को करनी चाहिए, और अब आप जिस तरीके से सामाजिक जिम्मेदारियां निभा रही हैं वो हर किसी महिला के बस की बात नहीं, चाहते हर कोई है, लेकिन कर आप रही हैं। कितना मुश्किल रहा यह सफर और कैसे आसान बनाया आपने इसे? मैं आपको बताऊं, पहली बात तो यह है कि मैं कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं कर रही हूं। मैं समझती हूं हर महिला अगर चाहेगी तो कर पाएगी, क्योंकि स्पेशली हिंदुस्तानी औरतों में इतनी शक्ति है, जो अंदरूनी शक्ति कहेंगे, कि वो कोई भी रूप धारण कर सकती है अगर वो चाहती है तो। और वो मेरे से वाकिफ नहीं होंगी, लेकिन मैं ये बात फिर दोहरा रही हूँ क्योंकि टॉपिक यही है। मैं समझती हूँ औरत अगर चाहे तो वो जो भी रूप ले सकती है, अगर उसे शक्तिमान का रूप देंगे तो वो दुर्गा बन सकती है, चंडी बन सकती है, अगर वो चाहे, अगर वो एडुकेशनिस्ट है तो वो सरस्वती बनती है, अगर वो बिजनेस वुमन है तो वो लक्ष्मी बनती है, घर में लक्ष्मी लाती है, अगर आप उसका क्रूर का रूप देखेंगे तो काली भी बन सकती है। तो मेरे हिसाब से ये सब अंदरूनी शक्ति हम औरतों में है, हम उसको कैसे उभर कर लाते हैं और उसे अपनी जिंदगियों में कैसे यूज कर सकते हैं वो हम औरतों के ऊपर है। हमको कोई नहीं बता सकता और कोई नहीं सीख सिखा सकता, ये हमारे अंदर है बसी हुई बात। और मैं आपको एक सिंपल उदाहरण दूंगी। आप बात कर रहे हैं कि मैंने कैसे बैलेंस किया वर्क लाइफ जी। मैं आपको हमारी मुंबई की बात करूंगी। सॉरी, बिफोर आई स्टार्ट, द एको इज टू मच। आप लोग को भी एको आ रहा है? क्योंकि मैं जब ये बोल रहे हैं मुझे बहुत एको सुनाई दे रहा है जी। प्लीज कैन यू लोअर द एको प्लीज, हूएवर इज हैंडलिंग द माइक। एक्चुअली आवाज बाउंस बैक कर रही है ना? हाँ। आपको भी लग रहा है ऐसे? मुझे भी बिकॉज ऑफ दिस बाउंस बैक। या Yeah, just lower it because I can't hear sometimes what he's saying. मैं आपको मुंबई का उदाहरण दूंगी, हमारी मुंबई की औरतें। मैं कहूंगी लोग आजकल सेक्शन में डिवाइड करते हैं, बट आई डोंट थिंक दैट इज पोलिटिकली करेक्ट। लेकिन आपको उदाहरण देने के लिए मैं कहूंगी, जो हमारी लोअर मिडिल क्लास औरतें हैं जो बृहन मुंबई कॉरपोरेशन में काम करती हैं, फॉर एग्जाम्पल, सुबह सुबह उठती हैं, अपना घर देखती हैं, हस्बैंड को जगाती हैं, बच्चों को जगाती हैं, चाय बनाती हैं, ठीक है, डब्बा बनाती हैं, बच्चों के स्कूल बैग पैक करती हैं, बच्चों को तैयार करती हैं, हस्बैंड को भेजती हैं, खुद फिर निकल जाती हैं, ट्रेन पकड़ती हैं, चाहे वो विरार रहे जो दो घंटा दूर है जहां बीएमसी ऑफिस है, वो ट्रेन में ट्रैवल करके पूरा दिन ऑफिस में काम करती हैं, फिर वापस जाती हैं, फिर वही उनका सिस्टम शुरू होता है, फिर घर का खाना बनाती हैं, घर के कपड़े धोती हैं, अपने बच्चों के साथ होमवर्क करती हैं और फिर अपना ऑफिस का काम करती हैं और फिर उनकी एक नई सुबह होती है। क्या ये शक्तिमान औरत है कि नहीं? ये है हमारी हिंदुस्तानी औरतों की ताकत, मल्टीटास्किंग। तो मैं समझती हूं कि सबसे बेस्ट बिजनेस संभालना अगर आपको किसी को देना है आप औरत को दीजिए, वो अगर अपना घर गृहस्थी इस तरह संभाल सकती है तो वो एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन भी संभाल सकती है जी। रवीना, इतने अच्छे विचार हैं आपके, और अगर आपकी
तमाम फिल्मों को माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाए तो इसी तरह के मैसेजेस आपने अपनी फिल्म में दिए हैं। क्या आपको कभी कभी अफसोस होता है कि बावजूद उसके आपको सिर्फ मस्त मस्त गर्ल कहते हैं लोग, कभी डिस्को में जाए के नाम से याद रखते हैं, सिर्फ एक यही इंप्रेशन है रवीना टंडन का? देखिए जी, मैं शायद अब पिछले सालों में ये नहीं समझती हूँ, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरे फैंस का, मेरे वेल विशर्स का, कि क्योंकि आज वो मुझे मस्त मस्त गर्ल या कहीं डिस्को में जाएं की तरह से एक पहचान है मेरी, क्योंकि वो पहचान है मेरी, वो मेरी एक सोशल मैसेज फिल्म देखने जाएंगे जी, समझ रहे हैं? तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। अगर वो पहचान नहीं होती मेरी तो शायद वो मेरी कोई सीरियस फिल्म भी देखने न जाते। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। जाहिर सी बात है कि रवीना टंडन अब जिस भूमिका में है, जितनी एक्टिव आप ट्विटर पर हुई हैं, अपने फॉलोअर्स को जवाब देती हैं, मैं पिछले दिनों देख रहा था किसी ने शादी का प्रपोजल दिया था आपको, तो आपने कहा सॉरी यार 13 साल आप लेट हो गए। हाँ, मेरे को 14 साल हुए शादी किए हुए, 13 साल के बाद बोल रहा है शादी करेंगी क्या मेरे से? मैं भाई तुम हो कौन, कब पैदा हुए, पहले होमवर्क करके आ जाओ। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि पारिवारिक जिम्मेदारियों से फुर्सत एक भारतीय महिला को तो मिलती नहीं, तो ये फुर्सत जो आप निकाल रही हैं इसके पीछे अब इस तरीके की बातें सुनने में आ रही हैं कि रवीना टंडन शायद पॉलिटिक्स में जाना चाहती हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं सीधे सवाल पर आकर, मैं ये नहीं पूछूंगा किस पार्टी से क्योंकि यहां सभी बता देंगे शायद, मैं पूछूंगा कब। मैं आपसे यही बोलूंगी कि आपने भी होमवर्क नहीं किया है क्योंकि आपने फिर मेरे पिछले मैं तो दर्शकों के फीडबैक पे बात कर रहा हूं, अपने होमवर्क के फीडबैक नहीं करके आई है। नहीं नहीं, होमवर्क के आधार पे मैं बात ही नहीं कर रहा। Sorry, मुझसे दर्शकों ने कहा था कि रवीना जी से जरूर पूछिएगा कि चुनाव कब लड़ेंगी, राजनीति में कब आएंगी। देखिए और क्यों नहीं, क्यों नहीं का मैं बाद में सवाल दूंगी, लेकिन जैसे कि मैंने अपने काफी इंटरव्यूज में बोला है, मुझे आई थिंक पिछले 2 इलेक्शन से मुझे सब पार्टियों से न्योता आया है, इन्विटेशन आया है टू ज्वाइन द पार्टी, टू उनके लिए मुझे लोकसभा की सीट ऑफर की गई है, मुझे कोलकाता से भी ऑफर आया, मतलब मैं कोलकाता की हूँ नहीं लेकिन वहाँ से भी मुझे कि आप इस टिकट पे लड़िए, पंजाब से ऑफर आया, अलग अलग पार्टियों का, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या टीएमसी हो या समाजवादी पार्टी हो, तो लेकिन बात ये थी कि मैंने सबको इनकार कर दिया ऑफ कोर्स, और आज तक करती आ रही हूँ। मैं आई प्रिफर टू से दिस इन इंग्लिश बिकॉज इट साउंड्स दिस द सेइंग इज इन इंग्लिश, आई कैन नॉट टो एनी पार्टी लाइन, क्योंकि मैं अगर समझती हूँ कि ये गलत है तो ये गलत है। मैं किसी एक पार्टी की आइडियोलॉजी शायद फॉलो नहीं कर पाऊंगी। मतलब अपनी पार्टी बनाएंगी? नहीं, मैं अपनी पार्टी भी शायद नहीं बनाऊं। आई एम बेटर एज एन एक्टिविस्ट, क्योंकि फिर मेरी ये आवाज कोई नहीं रोक सकता, मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे किसी के सामने सर नहीं झुकाना। कई एक्टिविस्ट ऐसा कहते थे और बाद में पॉलिटिक्स में आए और मुझे मेरी आवाज बंद नहीं करनी। आई हैव अ फ्री वॉइस, आई वॉन्ट टू टॉक फ्रीली, आई डोंट वॉन्ट टू बी स्केर्ड अबाउट क्रॉसिंग एनी और एंगरिंग एनी यू नो टॉप नॉच पीपल। सो एज फार एज आई एम कंसर्न, मुझे कई बातें इस पार्टी की अच्छी लगती हैं, कुछ बातें उस पार्टी की अच्छी लगती हैं, मुझे कुछ बातें इस पार्टी की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मतलब महागठबंधन में जाएंगे आप? हाँ जी, सॉरी, सी नाउ आई डिडंट हियर दैट जोक। मैंने कहा महागठबंधन में जाएंगे आप फिर, जो बहुत सारी पार्टियों का मिलाकर बन रहा है। वो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग इशू है, उसका क्या होगा वो आगे देखेंगे। अच्छा, लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है कि गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना जरूरी है जी, और ये पॉलिटिक्स पर भी लागू होती है। क्या आपको नहीं लगता कि सोशल एक्टिविस्ट रहकर आप उतना अचीव कर पाएंगी जितना आप सोचती हैं, या फिर आपको समाज को बदलने के लिए राजनीति में आना ही पड़ेगा? सर, ये भी बिल्कुल जहन में आती है बात कि अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट द चेंज दैट यू वांट टू सी हैपन, द चेंज विल नेवर हैपन। आई अग्री, दिस इज अ थिंग जो मैं भी सोचती हूँ कि फिर अगर हम जैसे लोग, आप जैसे लोग अगर हम पीछे हट जाएं, तो वही फिर लोग आएंगे जो गलत तरीके से फिर यू नो इलेक्ट हो जाते हैं, वोटें पा लेते हैं। आई फील हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहिए। आई फील हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक एब्सोल्यूट ऐसा लॉ आ जाना चाहिए कि एनीवन हु हैज एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, एनी व्हाटसोएवर इट कैन बी, कैन नॉट बी सीटेड इन द लोकसभा और द राज्यसभा,
they are not worthy of that beautiful constitution of our beautiful country that we have. Mm-hmm. So I think this is something that is very, very important mm-hmm. to do. I think isse there's a lot of revolutionary change that needs to be done. Ab pehle zamane mein kya hota tha, I think, matlab ek garv ki baat hoti thi. जब गांधी जी जेल जाते थे या हमारे जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं वो जेल जाके आते थे तो आज भी तो लालू जी जेल जा रहे हैं इट वाज आज भी जाते हैं जेल दैट वाज लाइक अ बैज ऑफ ऑनर दैट वाज लाइक अ बैज ऑफ ऑनर कि हम क्यों जेल जा रहे हैं क्योंकि हम इनकलाब के लिए लड़ रहे हैं हम हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं वो अलग बात थी लेकिन आजकल आप देखें तो मर्डर के लिए जेल जा रहे हैं इसके लिए जा रहे हैं रेप के लिए जा रहे हैं फलाना डिमका तो फिर ये लगता है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि ये हमारे लीडर्स हैं ये आपकी कंट्री रन करने वाले हैं चलो आई एम सेइंग के प्रूवन इनोसेंट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम देन दे आर प्रूवन इनोसेंट मतलब हमारे देश में कभी कुछ गलत होता ही नहीं तो ये भी एक एक चीज है जिसपे गौर करने की है कि कहां वेयर आर वी लूजिंग आउट द लॉ द बिगेस्ट स्कैम्स आप देखो तो ज्यादातर दे आर ऑल यू नो इट्स के किसी ने गलत काम किया ही नहीं है नोबडी आपको क्या लगता है संविधान को बदलने की ज्यादा जरूरत है या इस देश की राजनीति को बदलने की ज्यादा जरूरत है आई थिंक अ बिट ऑफ बोथ क्योंकि इट गोज हैंड इन ग्लव आप उसको इससे नहीं उठा हटा सकते आप इसको उससे नहीं हटा सकते सो इट्स समथिंग दैट गोज हैंड इन ग्लव सो दिस इज अभी पॉलिटिक्स की वापस एक्चुअली हम क्वेश्चन से बहक गए कहीं लेकिन जो जैसे कि आपने कहा कि आप क्यों नहीं ज्वाइन करती हैं पॉलिटिक्स सो आई विल कम बैक टू द सेम थिंग के यू नो टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये जहन में आता है कि जब तक आप और हम और हमारी जो आगे की जो यूथ पीढ़ी है जब तक ये नहीं आगे ज्वाइन करेंगे तो शायद बदलाव नहीं आएगा लेकिन आई थिंक सिटीजन्स लाइक मी मेरी एक ही वो है कि मैं पार्टी लाइन नहीं टो कर सकती अगर मैं समझती हूँ जो गलत है मैं उठ के बोलूंगी गलत है तो मैं तो एक्चुअली मजाक करती हूँ लोगों से मैंने कहा अगर जिस दिन मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया दो दिन के बाद कोई मुझे गोली मार देगा आई बी असैसिनेटेड क्योंकि कोई सह नहीं पाएगा जिस तरीके से मैं सच उनके मुंह पे बोल दूंगी शायद यू नो टू अ सर्टेन एक्सटेंट नहीं बट ऐसे ही पॉलिटिशियंस की वजह से देश आजाद भी हुआ किस पॉलिटिशियंस की वजह से ऐसे ही पॉलिटिशियंस की वजह से जो पार्टी लाइन वो नहीं करते थे जो अपनी बात रखते थे और पूरे पुरजोर तरीके से रखते थे मतलब आपको डर है क्या कि पॉलिटिक्स में आने के बाद आप सुरक्षित नहीं है इसलिए आना नहीं चाहती नो दैट इज अ जोक वही मैंने कहा वो मजाक में करती हूँ अच्छा ऐसा सिचुएशन नहीं है मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सो फॉर मी टू पुट अ पॉइंट अक्रॉस इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप मुझे बोलोगे नहीं तुमको ना एज अ स्पोक्स पर्सन तुमको यही बोलना है मैं बोलूंगी लेकिन ये गलत है मुझे तो नहीं लगता ये बोलना चाहिए सो बट देन दैट इज द वे आई एम एंड दैट इज द वे आई विल बी I feel for every country, the change is important. Every government should be given a chance. Government ko kaun elect karta hai? Aap karte hain, aap karte hain, aap karte hain, main karti hoon. Every new government should be given a chance. Nahi kaam kare, nikal do 5 saal ke baad. Lekin wo power aapke haath mein hai. Do you understand? So that is the change as collectively, as a citizen's voice, is what I try to achieve. ये कहकर रवीना टंडन किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स में जाने की संभावना को खारिज कर रही हैं या फिर कल को हम देखेंगे कि रवीना का मन दिल दिमाग बदल गया और वो किसी पार्टी को ज्वाइन करके ये कह रही हैं कि नहीं इसकी आइडियोलॉजी मुझे अच्छी लगती है मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो मैंने पाया कि नहीं मैं इसमें शामिल हो सकती हूँ आप मुझे दुविधा में डाल रहे हैं आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं नहीं, बिल्कुल नहीं जैसे कि मैंने कहा कि हम कल के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता आप कहाँ होंगे कल मैं कहाँ होंगी होंगी भी कि नहीं ये कोई नहीं जानता नहीं, कोई नहीं बोल सकता आई मीन गॉड ब्लेस एवरीबॉडी बट कल की बात कल देखेंगे फिर जब हम एक बार ऐसे बैठेंगे फिर आप मुझे याद दिलाना शायद तो मतलब क्या लिखा जाएगा रवीना टंडन अभिनेत्री या रवीना टंडन नेता फला फला पार्टी रवीना टंडन सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं ये तो फिर राजनीति हाँ सुनने में अच्छी है ये बात लेकिन अगर ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेंगी तो फिर सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं लिखा जाएगा ना फिर तो पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिखा जाएगा आज के जमाने में और मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही हूँ मैं ग्लोबली बात कर रही हूँ आई थिंक आज के जमाने में कोई कुछ नहीं है कोई और नहीं है यू आर एन इंडियन यू वर बॉर्न एन इंडियन यू विल डाई एन इंडियन एंड दैट इज वेयर योर आइडेंटिटी शुड बिगिन एंड एंड जी अगर रवीना हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हर धर्म में जो महिलाएं हैं वो किसी न किसी वजह से प्रताड़ित हैं
कर्स्ड हैं, तीन तलाक का मामला हो, हिंदू धर्म में उपेक्षा का मामला हो, आपने बलात्कार की बात की, उत्पीड़न की बात की, छेड़छाड़ की बात की, आपको क्या जरूरी लगता है इन महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए और कौन करेगा? क्योंकि संविधान में बदलाव एकमात्र उपाय नहीं है, एकमात्र सुझाव नहीं है। मैंने आपसे कहा, आपने भी माना कि संविधान में बदलाव के साथ साथ पॉलिटिकल अप्रोच और विल में भी बदलाव होना बहुत जरूरी है। सर देखिए, ये जो पूरा मामला है, ये अगर हम जड़ से देखें तो औरतों की सुरक्षा के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे जब हम स्टेटिस्टिक्स देखते हैं और स्टेटिस्टिक्स जहां जहां अगर हम देखते हैं, तो चाहे वो रेप की बात हो या वायलेंस की बात हो, या तो मोस्टली देखा गया है कि जो रेपिस्ट होता है वो मोस्टली जो एक फैमिली का जाना पहचाना होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम या कोई नेबर होता है या कोई इंसान जाना पहचाना होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो देखा गया है। अब ये अगर जड़ से आप बात करें तो आई फील इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फैक्टर इज मोस्ट डेफिनेटली आई थिंक पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल अपीजमेंट, रिफॉर्म्स, सोसाइटी रिफॉर्म्स, अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रस्ट्रेशन, पॉपुलेशन। सो व्हेन यू डू अ एक्चुअल स्टेटिस्टिकल स्टडी, मैंने यूनिसेफ के साथ काम किया है, मैंने बहुत सारे एनजीओज के साथ काम किया है, क्राई के साथ काम किया है, मैं स्माइल फाउंडेशन के साथ जुड़ी हूं, तो जो ये सब स्टडीज आती हैं, आप एक चीज को पिन पॉइंट नहीं कर सकते हो। ये सब मिला के जो फैक्टर्स हैं वो एक सोसाइटी को बनाती हैं, और जब ये फैक्टर्स मिलके एक सोसाइटी बनती है, तब ऐसी चीजें होती हैं जो हम सुनने में आ रहे हैं रोज। डेफिनेटली अगर आप रिफॉर्म्स की बात करें तो चाहे वो हमारी कोई भी कम्युनिटी हो, आई फील यूनिवर्सली रिफॉर्म्स की जरूरत है। अगर जब हिंदुस्तान बना था तो हम 1947 से देखते आ रहे हैं, हमारे रिफॉर्म्स जो चाहे वो राजा राम मोहन राय रहे, मतलब कि मैं आपको एग्जांपल्स दे सकती हूँ, चाहे वो यू नो चाइल्ड मैरिज के लॉज बने हों, या विडो री मैरिज के लॉज बने हों, या सती के अगेंस्ट लॉज बने हों, या आप देख लीजिए यू नो वेदर इट वॉज डाउरी के लॉज बने हों, तो देर हैव बीन रिफॉर्म्स जो हमारे पुराने जमाने में खत्म हो गए। अगर हम वही पुराने जमाने की मेंटेलिटी 21st century वर्ल्ड में अगर लेके आए, तो वो आज के जमाने में रद्द हैं, वो दे कैन नॉट बी कंसिस्टेंट टू द सेंचुरी दैट यू वांट टू गो अहेड इनटू एंड द प्रोग्रेशन दैट यू वांट टू मेक विथ योर कंट्री। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कम्युनिटी टू सर्च विद इन देमसेल्व्स, सी द लॉज एंड द रिफॉर्म्स एंड द अपलिफ्टमेंट टूवर्ड्स विमेन एंड हाउ दे कैन चेंज इट। And this also comes with political will. This also comes with the leaders of communities together to see how they want to bring their women in the forefront. And I'll add one more thing. आप यकीन नहीं मानेंगे, in India, सबसे हमारी women labor force जो है, वो दूसरे देशों से बहुत ज्यादा है percentage में। प्रतिशत is about I think mostly 60-70% women labor force that we have in India, but women in top jobs in managing editorials or in at the CEO level is only a mamuli 10-15%. So for me, I'm saying this is to get women in ahead, औरतों को आगे लाना, this is a collective inclusive effort, चाहे वो आप हो या मैं हूं या यहां पे जितने प्रस्तुत लोग हैं, कि चाहे वो कॉर्पोरेट कंपनीज हो, टू इंक्लूड मोर विमेन इन देयर वर्कफोर्स एंड गिव देम अपॉर्चुनिटी। सो यू सी, दिस इज अ कंप्लीट सोसाइटल कलेक्टिव इंक्लूसिव एफर्ट दैट नीड्स टू बी डन, वेदर इट इज सिक्योरिटी मेजर्स टेकन और इट इज एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव और सिक्योरिटेरियल और लाइक यू सेड द अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन इन आर सेक्टर्स। जो भी सामाजिक कार्य आप कर रही हैं उसके लिए, प्रश्न एक पूछा, मैंने कवर एंटायर कर लिया, सब कुछ कर लिया। वही मैं कहने जा रहा हूं कि आप जिस तरीके का सामाजिक कार्य कर रही हैं, आपको सफलता मिली, शुभकामनाएं हैं। कुछ फिल्मी बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि रवीना टंडन सामने बैठी हैं, बड़ी सेंसेबल सी फिल्मी बातें। जब कोई अभिनेत्री फिल्मों से दूर होती है, तो मैंने पहले भी कहा कि लोग उसे भूल जाते हैं, है ना।
या तो पुरानी फिल्में आप देखते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं, इनको फिल्में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, अरे क्यों चली गई, इसको रहना चाहिए था। आप ठीक है, मातृ फिल्म में आपने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, आपके दिल के करीब था, लेकिन फिर भी ये कहा जाएगा कि आप एक लंबे अरसे से फिल्मों से दूर रहीं, बावजूद उसके कपूर एंड सिंस नाम की फिल्म में आप पर एक गाना बना। कैसा लगा आपको? क्योंकि मुझे याद नहीं है कि ऐसे किसी हीरोइन को लेकर के कोई गीत बनाओ, कोई गाना बनाओ। मेरे भी दो चार कहीं ना कहीं फैंस हैं जो कभी कभी याद कर लेते हैं, तो वैसे ही बन गया वो गाना। उसके लिए आपकी परमिशन वगैरह ली गई थी बाकायदा? हाँ, कि हम गाना बना रहे हैं और उसमें आपका नाम। करण ने फोन किया था, पूछा कि बादशाह का ऐसा गाना है, और एक्चुअली ओरिजिनली पंजाबी गाना है एक ऐसा ऑलरेडी बना हुआ, तो उसको उन्होंने अडेप्ट किया। उसमें नाम आता रवीना टंडन। हाँ जी, तो उसी को अडेप्ट किया उन्होंने, उसको अडेप्ट किया जी। एंड मैं आपको एक चीज बताऊं जी, ये शायद अगर 90s में हुआ होता था या पहले की जनरेशन के बारे में ऐसा होता था कि अब यू नो भूल जाते हैं लोग अगर कोई एक्ट्रेस फिल्म्स छोड़ देती है, मैं आपको कहूंगी कि शायद ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि आज की जो मीडिया है वो किसी को भूलने नहीं देती। ये मैंने कहा ना, मैंने दूसरी बात ये कही कि जब भी फिल्में देखते हैं तो अफसोस होता है कि क्यों इंडस्ट्री छोड़कर चली गई अभिनेत्री, आज हमारी रहना चाहिए था। सब जगह है, और एक्चुअली आई वुड थैंक द मीडिया, क्योंकि दे गिव आई थिंक एवरीवन एन अपॉर्चुनिटी टू डू एवरीथिंग एंड इट्स दे डोंट लेट पीपल फॉरगेट यू। रवि ना, एक पैरेलल सिनेमा चल रहा है आजकल, जैसे हम देख रहे हैं कि शॉर्ट फिल्म्स बन रही हैं, और तमाम सारे जो फिल्म विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि इसी तरह की शॉर्ट फिल्म्स बनती नहीं तो लोग शायद बड़ी फिल्में देखने जाना बंद कर देंगे, क्योंकि 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म में इतना कुछ उन्हें मिलने लगा है सेंसेबल, कि वो क्यों 3 घंटे की फिल्म। ये एक जो नया ट्रेंड चला, इस पर आप क्या कहेंगे शॉर्ट फिल्म्स का? देखिए, अगर आप देखेंगे तो डिजिटल इज द न्यूएस्ट बिगेस्ट थिंग, इट्स नॉट न्यू एनी मोर बट इट इज द बिगेस्ट थिंग। सिनेमा का चार्म और मैजिक जरूर रहेगा, बड़े पर्दे का वो जो एक एक्साइटमेंट है लार्जर देन लाइफ वो जरूर होगा, लेकिन डिजिटल मीडिया टुडे हैज टेकन अ स्टेप इन लीप्स एंड बाउंड्स, एंड दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू गो अलोंग विद द फ्लो एंड विद द चेंजिंग ऑफ टाइम्स। सो दीज शॉर्ट फिल्म्स आर हियर टू स्टे, शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज, दीज डिफरेंट साइट्स दैट आर कमिंग अप, एंटरटेनमेंट। सहूलियत ये भी है कि आप उन्हें मोबाइल पर कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, जबकि आपको एक बड़ी फिल्म देखने के लिए मल्टीप्लेक्स में जाना पड़ेगा। नहीं, उसके अलावा आई थिंक इट इज कन्वीनियंट, एंड आई मीन फॉर एग्जाम्पल अभी आप अगर फ्लाइट में ट्रैवल करो, चाहे वो इंडिगो हो, गो हो, कोई भी एयरलाइन आप ट्रैवल करो, विच इज ऑल्सो लो कॉस्ट एयरलाइन विच डज नॉट प्रोवाइड यू इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, आप देखोगे सब बगल में सब अपने फोन्स लगा के, हेडफोन्स लगा के कुछ ना कुछ देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, एग्जैक्टली। सो द लॉट ऑफ देम, अभी हमारे इंडियन भी आ गए हैं, ऑल्ट बालाजी है, अपना अप्लॉज का है, अपने रिलायंस का आ गया है, दिस वन मोर बिग वन आई एम फॉरगेटिंग, ऑल्ट बालाजी इज देयर, रिलायंस इज देयर, एनीवे तमाम सारे, लेकिन तमाम बड़े स्टार्स भी अब नेटफ्लिक्स पर आ रहे हैं। जी हाँ, हम देखते हैं बहुत सारे स्टार्स हैं, मैं क्या एक का नाम लूं किसी का। आपको लगता है कि इससे सिनेमा को कोई खतरा है, 70mm सिनेमा को? देखिए, आई थिंक सिनेमा जब टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है और टेक्नोलॉजी का एडवांस होते रहता है तो मोस्ट डेफिनेटली ये हर तौर से गुजरता है। तो आप अगर 1980s की बात करेंगे तो पहले वीडियो कैसेट आया था, कितने लोग तभी ध्यान होगा, वीडियो कैसेट आया था। पहले जब टीवी इंट्रोड्यूस हुआ था, जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, तब लोगों को बोला अभी लोग सिनेमा में नहीं जाएंगे। फिर वीडियो कैसेट आया, लोगों ने बोला ये वीडियो बहुत बड़ी चीज हो गई है, अब सिनेमा में कोई नहीं जाएगा। फिर लेजर आया, डीवीडी आया, अब ये हैंड इन एंटरटेनमेंट आ गया। सो आई थिंक लाइक आई सेड, बड़े पर्दे का चार्म ऑलवेज इंटैक्ट रहेगा, इंपैक्ट जरूर पड़ता है कलेक्शंस पे और कमर्शियल्स पे, लेकिन आई थिंक वो बरकरार, वो जादू बरकरार रहेगा, जादू बरकरार रहेगा। चलिए, तो रवीना टंडन से हमने तमाम बातचीत की। रवीना टंडन सामाजिक कार्यों के जरिए समाज बदलना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया है कि वो राजनीति में नहीं आएंगी। कल किसने देखा वो ये कहकर बात खत्म करती है। मैंने इधर बैठे हुए बोला शायद नहीं अभी, लेकिन पूछ के कि तुम्हें समाज बदलना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, आपने इमोशनली ब्लैकमेल करके बोला है। बट लाइक आई सेड, you can never say never, but as far as I'm concerned, I'm a free voice and I don't want in any point that I have to bow down to someone and lose my voice that I have loud and clear as a citizen. ठीक है,
कोई मैसेज आखिर में देना चाहेंगी इस मंच के माध्यम से इस देश की महिलाओं को? देश की महिलाओं को मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे कि मैंने कहा, आप में एक अंदरूनी शक्ति है, आप अगर सोच लें और ठान लें तो आप कुछ भी कर सकती हैं। तो आप रवीना टंडन बन सकती हैं? नहीं जी, मेरे से बेहतर बन सकती हैं। चलिए आप आए, आपने सेशन में हमें वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद रवीना आपका। अनुराग, मैं एक सेकंड के लिए बस आपको इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी चीटिंग हमने भी कर ली थी, बहुत सारे सवाल हमने आप तक नहीं पहुंचाए हमारे दर्शकों के यहाँ, क्योंकि उसमें से हर तीसरा सवाल एक ही था। रवीना जी, इसका सवाल जवाब दे के जाइएगा, आपकी खूबसूरती और आपकी फिटनेस का राज वो भी बता जाइए जाते जाते। एक्चुअली कल बहुत ही एक अच्छा स्वीट सा किस्सा हो गया। तो कल मैं गुवाहाटी में थी किसी इवेंट पे, तो वहाँ की जो मीडिया थी, वहाँ के मीडिया वाले ने कहा, देखिए जी, जब हम बच्चे थे हमने आपकी फिल्म देखी और आज भी आप वैसी ही दिखती हैं जैसे आप 25 साल पहले दिखती थी, ये कैसे हो गया? मैंने कहा, आपको मालूम नहीं है लेकिन रात को मैं फ्रिज में सोती हूँ। तो ऐसे ही ऑडियंस हंस पड़ी क्योंकि वो इंस्टेंटली मेरे मुंह से निकला। मैं कहा, मैं इसका क्या जवाब दूं कि मैं वैसे ही दिखती हूँ जैसे मैं पहले थी। लेकिन आई थिंक फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक सबको, आई एम नॉट ओनली सेइंग महिलाओं को, आई एम सेइंग इवन पुरुषों को, एटलीस्ट 45 मिनट्स दिन में अपने लिए निकालना चाहिए। एंड अब मैं एक्चुअली महिलाओं को भी बोलूंगी, यू नो, आई रिक्वेस्ट देम लिटिल मोर कि हम महिलाएं जो हैं, हम पहले ऑलवेज अपनी फैमिली को आगे करती हैं कि बच्चों के लिए करना है, हस्बैंड के लिए करना है, इन लॉज के लिए करना है, इसके लिए करना है, फलाना ढिमका करना है, कि हम अपने आप को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, वी लेट आर सेल्स गो। तो आप समझिए कि अगर आप स्वस्थ हैं, आप हेल्दी हैं, तो आपका परिवार भी हेल्दी रहेगा। तो वो 40 मिनट दिन में आप प्लीज अपने लिए निकालिए, चाहे आप जिस फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करें, चाहे आप योगा करें, या मैं अलग अलग तरीके का करती हूँ, मैं स्विम करती हूँ, आई डू योगा, आई रन, आई डू द ट्रेडमिल, आई डू लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, एक वॉक के लिए ही चले चाहिए 40 मिनट, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य को प्लीज संभाल के रखिए। और नेक्स्ट टाइम हस्बैंड बोले या फैमिली बोले कि भैया चलो हमारे साथ बाहर, तो ये नहीं बोलना, नहीं ये 40 मिनट मैंने क्योंकि रवीना ने कहा था, सारे मुझे फिर बहुत बुरे पत्र लिखेंगे। बट 45 मिनट्स इन अ डे, प्लीज कीप फॉर योरसेल्फ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ। बहुत बहुत धन्यवाद रवीना आपका, अनुराग आपका भी। रवीना, दो पल के लिए रुकिए यहाँ पर क्योंकि मैं सुभाष चंद, हिंदुस्तान के मार्केटिंग हेड को मंच पर बुला रही हूँ। एक छोटा सा मोमेंटो हम आपको गिफ्ट करेंगे धन्यवाद के तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद रवीना, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग आपका भी, थैंक यू सो मच। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ हम भी रुकेंगे, छोटा सा चाय का ब्रेक है 10 मिनट।